हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे एवं FCI प्रशासन की लापरवाही की वजह से 12,472 गेहूं के कट्टे चढ़े बरसात की भेंट, प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर हरियाणा के मारकंडा से 36,472 गेहूं के कट्टे बोरिया मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों की सप्लाई हेतु आई थी। स्थानीय रेलवे प्रशासन एवं FCI विभाग की लापरवाही की वजह से इनको खुले में ही उतार दिया गया। तेज बरसात के कारण एवं बोरियों को ढका नहीं होने की वजह से 12,472 गेहूं की बोरियां पुनर्ता बरसात के पानी की भेंट चढ़ गई। मीडिया द्वारा जब उच्च अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी जानना चाहिए तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जानकारी सूत्रों के अनुसार बरसात में बोरियां भीगने का ये पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी ऐसा दो बार हो चुका, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। BPL गरीबों में बांटा जाने वाला ये गेहूं बरसात की भेंट चढ़ चुका। एक बार फिर रेलवे एवं FCI प्रशासन की लापरवाही की वजह से हजारों टन गेहूं बरसात की भेंट चढ़ गया। प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही फिर उजागर हुई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राजेंद्र तेजी, FCI प्रबंधक मारवाड़ जंक्शन, इन्होंने ये कहा। आपकी तरफ द्वारा देखो जी, हमारे द्वारा तो पॉलिथिन कवर से पूरा कवर किया है, गेहूँ के खाद्यान्न को ढकवाया गया, ठीक है। दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या है कि मारवाड़ जो हमारे हमको जो ये जो रेल शीट दिया ना, ये सड़क के बराबर ही है। मतलब हमको मतलब एक्स्ट्रा मतलब प्लिंथ बना के नहीं दिया गया है। प्लिंथ होता दो एक फीट का, सवा फीट का, तो हमारा डंपिंग उसके ऊपर होता था। एक्चुअली सड़क के लेवल पर ही है और गड्ढे में बरसात आई है, कुछ खाद्यान्न भीगा ही है। जो भीगा हुआ है उसको हम अलग रख के सुखा के सेग्रीगेट करेंगे, उसके बाद में हम गोदाम में उसको डिपोजिट करवाएंगे। जागरूक टीवी की सौजन्य से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।